प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही आते आते गर्भवती महिला का जो पेट है इसमें काफी बदलाव आने लग जाती हैं। कई महिलाओं का पेट बहुत ज्यादा बढ़ता है, कई महिलाओं का पेट कम बढ़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा क्यों होता है, यह किस बात का संकेत है? नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नए वीडियो में, जहाँ पर आज का वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी से रिलेटेड है और तीसरी तिमाही के सिम्टम्स या शारीरिक बदलावों से रिलेटेड है। आज के वीडियो में हम ऐसे खास चार शारीरिक बदलावों के बारे में जानने वाले हैं जिनकी मदद से आप गर्भ में लड़का या लड़की होने का काफी हद तक अनुमान लगा सकती हैं, क्योंकि तीसरी तिमाही के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में लगातार कुछ ना कुछ बदलाव आते ही रहते हैं। तो इस दौरान यानी कि 7वें, 8वें और 9वें महीने के दौरान आपके पेट में कौन कौन से बदलाव आने वाले हैं और इनसे गर्भ में लड़का या लड़की होने का अनुमान किस तरह से लगाया जा सकता है, इन सारी बातों को जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूँ। सबसे पहला शारीरिक बदलाव है पेट का आकार कम या ज्यादा होना। जी हाँ, 7वें, 8वें और 9वें महीने के दौरान आपने देखा होगा कि आपके घर में पल रहा जो बच्चा है उसका विकास काफी तेजी से हो रहा होता है। आपके बच्चे के जो अंग हैं काफी डेवलप हो जाते हैं और इस दौरान गर्भवती महिलाओं का, मोस्टली गर्भवती महिलाएं जो हैं उनका पेट का आकार भी काफी बढ़ने लग जाता है। इस दौरान आपको देखना है कि आपके पेट का आकार कैसा है। अगर तीसरी तिमाही के दौरान यानी कि 8वें 9वें महीने के दौरान आपके पेट का आकार गोल मटके के समान है और आपका जो पेट है वो नीचे की तरफ झुक गया है, तो इसे गर्भ में लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। दूसरी बात, काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनका तीसरी तिमाही यानी कि 9वें महीने तक पेट का आकार बहुत कम बढ़ता है, कमर हिप्स ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में लड़की होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बदलाव है जिसे आपको अपनी बॉडी में समझना है और अनुमान लगाना है। दूसरा खास बदलाव है नाभि का अंदर या बाहर होना। जी हाँ, ये एक खास बदलाव है जो कि महिलाएं तीसरी तिमाही यानी कि 8वें 9वें महीने के दौरान अपनी नाभि में महसूस करती हैं। नाभि के आसपास खिंचाव होना, नाभि की स्किन में दर्द होना, नाभि के आसपास आपको दर्द महसूस होना, ऐसे भी कई सारे बदलाव होते हैं। तो ये आपके पेट की जो स्किन है उसमें खिंचाव होने की वजह से हो सकता है, मसल्स में खिंचाव होने की वजह से हो सकता है। ऐसा होने पर आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आप चाहें तो आप अपने नाभि में प्रेगनेंसी के दौरान जब से आप कंसीव करते हैं तब से आपको एक दो ड्रॉप नारियल के तेल की या फिर शुद्ध सरसों के तेल की डालते रहना है। इससे क्या होता है कि आपके नाभि की जो स्किन है वो मुलायम बनी रहेगी, आपको दर्द नहीं होगा और स्किन में खिंचाव भी नहीं होगा। अब आपको देखना है कि तीसरी तिमाही यानी कि 8वें 9वें महीने के दौरान जिन महिलाओं की नाभि है उभर कर बाहर आ जाती है, घूंघट सा बन जाता है, तो ऐसी कंडीशन में लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है घर में जो लड़का होता है वो गर्भवती महिला के पेट के राइट साइड में होता है, पेट के निचले हिस्से में होता है। और जब बच्चे का विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उसका जो प्रेशर है वो आपकी नाभि पर पड़ने लग जाता है। बच्चा मूवमेंट्स करता है तो इससे आपकी नाभि पर प्रेशर आता है और इससे आपकी नाभि उभर कर बाहर आ जाती है, और ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर केसेज में लड़का होने के चांसेस माने जाते हैं। वहीं जिन महिलाओं की नाभि में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आता है तो ऐसी कंडीशन में लड़की होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि घर में जो लड़की होती है वो पेट के ऊपरी हिस्से में होती है। ऐसे में आपके बच्चे का साइज भले ही बड़ा हो जाता है और आपका बच्चा मूवमेंट्स भी काफ़ी करता है, फिर भी आपकी नाभि में बदलाव नहीं आता है, क्योंकि बच्चा पेट के ऊपरी हिस्से में होता है जिससे नाभि पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं आता। तीसरा बदलाव है नाभि लाइन का टेढ़ी या सीधी होना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान इस एक जो संकेत है इसको काफ़ी सारी महिलाएं अपनी बॉडी में महसूस करती हैं, आसपास की महिलाओं में भी देखती हैं। काफ़ी सारी महिलाओं की जो नाभि लाइन है वो एकदम सीधी होती है, काफ़ी सारी महिलाओं की टेढ़ी होती है, काफ़ी सारी महिलाओं के पेट पर बनती ही नहीं है। तो देखिए, वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की जो स्किन है उसमें मेलेनिन नामक एक हार्मोन बनता है जिसकी मात्रा कई सारी महिलाओं की बॉडी में ज़्यादा होती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उनकी जो स्किन है उसका कलर डार्क हो जाता है। और जिन महिलाओं की स्किन में मेलेनिन हार्मोन का लेवल कम होता है उनकी स्किन का रंग नेचुरल बना रहता है, जैसा होता है वैसा ही होता है। लेकिन पुराने ज़माने से ही जब हमारे समाज में, जब हमारे यहाँ पर हमारे समाज में डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करते थे, तो उस टाइम से ही जो हमारे बुजुर्ग महिलाएँ हैं वो एक अनुमान लगाती हैं कि जिन महिलाओं की जो नाभि लाइन है वो उनके प्राइवेट पार्ट से लेकर उनकी ब्रेस्ट तक नाभि के ठीक बीचों बीच सीधी जाती है, तो ऐसी कंडीशन में लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
और जिन महिलाओं की नाभि लाइन जो होती है, जिसे लिनिया निग्रा के नाम से भी जाना जाता है, ये जो लाइन होती है वो प्राइवेट पार्ट से नाभि तक तो सीधी है लेकिन नाभि से ऊपर टेढ़ी होती हुई जाती है, ऐसी कंडीशन में लड़की होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वहीं कुछ महिलाओं के पेट पर ये जो लिनिया निग्रा है वो बनती ही नहीं है, जिसका कारण मैंने अभी आपको बताया है कि जिन महिलाओं की स्किन में मेलेनिन हार्मोन नहीं बनता है उनकी नाभि की जो कलर है या स्किन के कलर में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आता है। चौथा खास बदलाव है नाभि लाइन का काली या फिर नॉर्मल होना। देखिए, आपने देखा होगा काफी सारी महिलाओं के पेट पर तीसरी तिमाही के दौरान जो नाभि लाइन है लिनिया निग्रा वो एकदम डार्क होती है तो कुछ महिलाओं के एकदम से लाइट होती है। देखिए, इसका भी एक रीजन है, पुराने जमाने से ही ऐसा माना जाता है कि जिन महिलाओं के घर में लड़का होता है उनके पेट पर जो लिनिया निग्रा बनती है वो गहरे काले रंग की होती है, यानी कि एकदम डार्क होती है, और जिन महिलाओं के घर में लड़की होती है उनके पेट पर ये जो लाइन है वो एकदम से लाइट बनती है, यानी कि ये बहुत कम कम दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, ये है वो चार खास बदलाव जो कि आपको 7वें, 8वें और 9वें महीने के दौरान अपनी बॉडी में नजर आ सकते हैं। इनमें से कोई सा भी एक से दो बदलाव अगर आपको अपनी बॉडी में नजर आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में पल रहा है जो बच्चा है वो 100% लड़का ही होने वाला है। देखिए, वैसे तो इन सिम्टम्स का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है लेकिन पुराने जमाने से ही हमारे समाज में काफी प्रचलन में है और प्रेगनेंसी में काफी सटीक भी होते हैं, इसीलिए इनकी मदद से आप घर में लड़का या लड़की होने का काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। अब जानते हैं उस एक कारण के बारे में जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं का पेट कई बार बहुत ज्यादा बढ़ता है तो कई बार कम बढ़ता है। देखिए, जिन महिलाओं की हाइट कम होती है उनका पेट प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा बढ़ता है, और जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है तो उनका पेट प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा कम बढ़ता है। दूसरा कारण है, जिन महिलाओं के पेट में एमनियोटिक फ्लूइड की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, ऐसी कंडीशन में महिलाओं का जो पेट का साइज है वो काफी बड़ा हो जाता है, और जिन महिलाओं के पेट में एमनियोटिक फ्लूइड की जो मात्रा है वो नॉर्मल होती है तो उनके पेट का आकार भी नॉर्मल ही बना रहता है। तीसरा कारण है, जिन महिलाओं का प्रेगनेंसी के दौरान वजन थोड़ा ज्यादा बढ़ता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उनके पेट का जो साइज है वो काफी बढ़ने लग जाता है, और जिन महिलाओं का जो वजन है वो नॉर्मल रहता है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है, उनके पेट का साइज में भी ज्यादा अंतर नहीं आता है। काफी सारी महिलाओं को आपने देखा होगा कि उनके कमर, उनके कूल्हे, उनके जो कंधे हैं वो थोड़े ज्यादा चौड़े हो जाते हैं, कमर एकदम से पीछे से बहुत चौड़ी लगती है, पेट का साइज कम बढ़ता है, तो इसके पीछे ये कुछ कारण भी हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने लिए यूजफुल जरूर लगेगा। अगर आपको प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान इसके अलावा भी कोई और बदलाव नजर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करें। टेक केयर।